सिर्फ 10th पास लोगों के लिए है। जी हाँ, टाटा मोटर्स में एक फुल अप्रेंटिस प्रोग्राम आया है जो कि सिर्फ 10th पास लोगों के लिए ही है। ये जो भी 10th पास करंटली हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज हैं। इस फॉर्म को जरूर से जरूर फिलअप करें, जो कि 10th पास करने पे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंटर करने का मौका मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखेंगे कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए 10th में, जिससे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ टाटा मोटर्स का जो है ये फुल टाइम अप्रेंटिस प्रोग्राम आया हुआ है। और अगर हम लोग इसके डिटेल्स के बारे में बात करें कि क्या क्या हमें चाहिए, प्रोग्राम डिटेल्स क्या हैं, तो यहाँ पे जो फुल टाइम अप्रेंटिस आए हुए हैं उसका जो कोर्स ड्यूरेशन है ये 2 साल का है, और जो वेल्डर ट्रेड के हैं उनके लिए ये 15 मंथ्स का रखा गया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए आपके, वो सिंगल टाइम 10th पास होना चाहिए। जी हाँ, आप इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप फेल हो चुके हैं और आपने दोबारा 10th का एग्ज़ाम दिया है, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको सिंगल अटैम्प्ट में 10th पास होना चाहिए। जी हाँ, और उसके बाद आपका जो परसेंटेज है वो 70% होना चाहिए। और इसमें मैथ्स और साइंस, जो आपका मैथ्स और साइंस है उसमें कंपलसरी 70% होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। वहीं अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, जो आपका एज है वह मिनिमम 14 ईयर्स या उससे एबव होनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं अगर उसकी बात करें, तो आपको यहाँ पे स्टिपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, सैलरी भी दिए जाएंगे, और जो कैंटीन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो आने जाने का और जो आपका खाने का जो है वह बिल्कुल फ्री रखा गया है, वो टाटा मोटर्स की तरफ से ही आपको दिया जाएगा। जी हाँ, सैलरी, फ्री कैंटीन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारे सुविधाएँ जो है आपको टाटा मोटर्स से दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है टाटा मोटर्स के लिए, टाटा मोटर्स की तरफ से जो 10th पास बच्चों के लिए आया हुआ है। अभी इसे ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें, और इस फॉर्म को फिलअप करने में हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर साइट ओपन नहीं हो रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। आइए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है ये हम देखें। अब ये फॉर्म ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पे लोकेशंस, ये आप देख सकते हैं लोकेशन अप्लाई फॉर है। इसमें आपको इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पे ये ओपन हुए हैं अप्रेंटिस प्रोग्राम, ये आप देख सकते हैं। इसमें से किसी भी एक लोकेशंस को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने लखनऊ सेलेक्ट किया, ये लखनऊ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद आपका जो भी फुल नेम है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके फादर्स नेम, और आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है और जो भी आपका करंट एड्रेस है, ये सभी आपको इसमें फिलअप कर देना है। ये परमानेंट और करंट एड्रेस फिलअप करने के बाद, और जो भी इसमें पूछा जा रहा है, जैसे 10th पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है, साइंस में मार्क्स कितने थे, मैथ्स में परसेंटेज मार्क्स कितने थे, इन सभी चीज़ों को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करके ये सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका यह फॉर्म जो है यह सबमिट हो जाएगा। तो यह जो 10th पास आई हुई हैं 10th पास बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसे बिल्कुल भी ना गंवाएं। अभी जा करके इस फॉर्म को फिलअप करें, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ फॉर्म फिलअप करने में या साइट ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आप हमारे वीडियोस को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, अगर इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे आप अपने दोस्तों या रिलेटिव्स अपने को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलता रहे। तो हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।